हार्ड शेप करेंगे राउंड केक से, ये 1 kg का केक है, आप हाफ केजी में भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जस्ट मार्क करना है, कटिंग नहीं करना है, ओके। तो जस्ट ये मार्किंग कर लेंगे ऐसा, ये ठीक है। तो 4 quarters में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, कट नहीं किया है। अब क्या करना है हमें, यहां से यहां तक ये जो है ये पूरा पोर्शन कट करना है, सिमिलरली यहां से यहां तक। तो ये मुझे मार्किंग मिल गया, इसलिए मैंने ये 4 quarters में इसको 4 parts में इसको डिवाइड किया था। तो अभी हम इसको थ्रू आउट कट कर देंगे, ये हो गया। ये वेस्टेज नहीं है, ये काम में आने वाला है। सो इसको बोर्ड से निकाल के रखते हैं 2 मिनट के लिए। केक अगर आपका चिल नहीं होगा, सॉफ्ट होगा बहुत ज्यादा, तो आपको कट करने में परेशानी आ सकती है, तो इसलिए केक सॉफ्ट होना चाहिए। ओके, ये सेकंड पार्ट, इसको भी नीचे रखते हैं। ये जो आ गया है शेप, इसको सबसे पहले हम थोड़ा लिफ्ट करके यहां पे लेके आएंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर वैसे ही रखते हैं तो बहुत कम स्पेस मिलती है हमें वो पीस करने के लिए, और हार्ड शेप केक एनीवेज ऐसे ही प्रेजेंट होता है दिस वे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 पीस हमने कट किए थे उसको पीछे की तरफ लगाना है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पहले क्रीम लगा लेंगे जहां पे वो छोटे छोटे जो पीस हमने निकाले वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, वो क्रीम की वजह से स्टिक हो जाएंगे। ये रहा जो फर्स्ट पीस है, इसको यहां पे रखेंगे और यहां पे लगा देंगे। सेकंड पीस यहां से आएगा और यहां तक लगा देंगे। सबसे पहले इसको हम स्टिक करेंगे क्रीम से ही, जैसे यहां पे है इसको क्रीम लगा के हम स्टिक कर देंगे, तो ये अपने आप स्टिक हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इस तरफ भी, तो ये ऐसे क्रीम लगा के हमने इसको स्टिक कर दिया। तो अब ये हार्ड शेप दिखने लग गया, और इसमें थोड़ा सा एक कट करेंगे, जो थोड़ा सा वेस्टेज है जहां पे ये खत्म हुआ है वहां से बस एक छोटा सा ऐसा पेस्ट्री कट करेंगे। अब ये प्रॉपर हार्ड शेप आ जाएगा, तो ये आइसिंग में अभी हम इसको हार्ड शेप दे देंगे, ओके।